जनपद चमोली में 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। बता दें कि जनपद चमोली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम का विधिवत समापन हो गया है, जिसके तहत जिला निर्वाचन कार्यालय में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची में दर्ज करने से छूट गया हो तो वह अपना नाम BLO या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर अपना पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशन के बाद जनपद में कुल 2,98,498 सामान्य मतदाता और 10,372 सेवा मतदाता पंजीकृत हैं। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। इसमें विशेष जो पुनरीक्षण कार्यक्रम हमारा चल रहा था वो कल उसकी समाप्ति हुई है, और जो अंतिम प्रकाशन के बाद सभी बूथों की जो मतदाता सूचियां हैं वो हमने राजनीतिक दलों को सौंप दी हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मतदाता सूची में नाम अभी भी लोग जोड़ सकते हैं, जो भी अभी जब तक हमारे जो नामांकन की अंतिम तिथि तक लोगों का जो नाम है, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ सकता है। तो मेरी सभी से अपील है कि जो भी अभी इसमें छूट गए हैं वो अपने नियरबाई BLO से या फिर ऑनलाइन हमारी जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है या ECI की वेबसाइट से अगर किसी का नाम छूट गया है तो कंटिन्यूस अपडेशन में अपना नाम उसमें दर्ज कराएं, ताकि कोई भी मतदाता हमारा इस बार मतदान करने से ना छूटे।